बृहस्थ विधि बृहस्थपति व्रत की विधि इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है दिन में एक समय ही करे, 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 भोजन करें पीले वस्त्र धारण करें पीले पुष्पों को धारण करें भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए नमक नहीं खाना चाहिए पीले रंग का फूल दाल पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए इस स्त्रियों के, के लिए व्रत अति आवश्यक है इस व्रत में केले का पूजन होता है बृहस्पतिवार प्राचीन समय की बात है भारत में एक राजा राज्य करता था वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है पूजन करता है करता था, था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान देती थी वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए घर पर रानी और दासी थी उस समय भगवान विस्प देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी हे साधु महाराज मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकू साधुरूपी विष्णदेव ने कहा हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है इसको सभी चाहते हैं पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ प्याऊ लगवाओ ब्राह्मणों को दान दो धर्मशालाएँ बनवाओ कुआ ताला बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुआरी कन्याओं का विवाह कराओ कराओ साथ ही आदि करो इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई उसने कहा हे साधु महाराज मुझे ऐसे धन क्या सकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिर होता था जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए साधु ने कहा हे देवी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना अपने केशों को पीली पीली मिट्टी से धोना केशों को धोते समय स्नान करना राजा से कहना वह हजामत करवाए भोजन में मांस मदिरा खाना कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना इसी प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा यह कह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देवंतर ध्यान हो गए रानी ने साधु के कहने के अनुसार सात बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया साधु के बताए अनुसार कार्यकर्ता केवल तीन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा तब राजा रानी से एक कहने लगा कहने लगा कि हे रानी तुम यहीं पर हो मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं क, नहीं कर सक को नहीं कर सकता मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया वह वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा है इधर रानी रानी के इधर राज राजा जल पीकर ही रह जाती एक समय रानी और दासियों को सात दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा हे दासी यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है वह बड़ी धनवान है तू उसके पास जा और वहां से पांच सिर बेझर मांग ले आज इससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी बृहस्पतिवार का दिन था दासी ने रानी की बहन से कहा है रानी मुझे आपकी बहन ने भेजा मुझे पांच से रुपये दे दो रानी दासी ने यह बात अनेक बार कही परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई उसे क्रोध भी आया वह लौटकर रानी से बोली हे रानी आपकी बहन बहुत ही घमंडी है वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं नहीं दिया मैं वापस चली आई रानी बोली हे दासी इसमें उसका कोई दोष नहीं है जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा यह सब हमारे भाग्य का है उधर आने की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली इससे वह बहुत दुखी हुई होगी अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करवा हम अपनी बहन के घर गई और कहने लगी है बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी रानी बोली बहन हमारे घर अनाज नहीं था वैसे तुमसे कोई बात नहीं है इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास पास से भेजा लेने के लिए भेजा था रानी की बहन बोली बहन देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो या सुन दासी सुनकर दासी घर के अंदर गई तो आ, गई तो वहाँ तो का मिल भरा मिल गया उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था उसने बाहर आकर रानी को बताया दासी अपनी रानी से कहने लगी है रानी देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं अगर इनसे इस व्रत की विधि की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे दासी के कहने पर रानी ने अपनी अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया हे रानी हे रानी बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलावे उस दिन एक ही समय भोजन करें भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने इस प्रकार करने से गुरु 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 भगवान प्रसन्न होते हैं अन्न धन देते हैं इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे सात दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा घोशाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दा... तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया अब भोजन कहा दोनों बहुत बड़ी दुखी हुई परंतु उन्होंने व्रत किया था इस कारण विस्पत देव भगवान प्रसन्न थे वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में दो थालों में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देख देकर बोले हे दासी यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए तुम दोनों करना दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली रानी जी भोजन कर लो रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था उड़ाती है दासी बोली एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया रानी कहने लगी वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है तू ही भोजन कर दासी ने कहा वह व्यक्ति हम दोनों के लिए दो थालों में भोजन दे गया है इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी तुम्हें धन अ, में धन के रखने में कष्ट होता है, था इस कारण धन धन नष्ट हो गया अब गुरु भगवान की कृपा से मिला है तो फिर तुम आलस्य होता है बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है इसलिए इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ प्याऊ लगवाओ ब्राह्मणों को दान दो कुआं ताला बावड़ी आदि का निर्माण कराओ कराओ मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ धन को शुभ कार्यों में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पित्त प्रसन्न हो दासी भी बात मानकर रानी ने रानी ने दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए जिससे उसका का काफी यश फैलने लगा एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे उनकी कोई कुछ खबर नहीं है गुरु भगवान से उन्हें उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वनमे में कहा हे राजा उठ तेरी रानी तुझको याद करती है अब अपने देश को लौट जा राजा, राजा का प्रा, राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े पर छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा जंगल से काट काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा उसे समय जंगल में बृस्पत देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले हे लकड़हारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो मुझे बतलाओ यह सुन राजा के नेत्रों में जल भरा और साधु की वंदना वंदना कर बोले हे प्रभु अब हे प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं वे राजा से बोले हे राजा तुम्हारी पत्नी ने बिस्पत देव के प्रति अपराध किया था जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई अब तुम तो किसी प्रकार की चिंता मत करो भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे देखो तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल के लोटे में डालकर केले विष्णु का पूजन करो फिर फिर कथा कहे या सुनो भगवान तुम्हारे सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे साधु को पसंद देख कर राजा बोला हे प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन कर पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है साधु ने कहा हे राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ तुम्हें रोज से दो गुना धन प्राप्त होगा जिससे बृहस्पति देव की पूजा का समान भी आ जाएगा बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है बृहस्पति बिश्प, देव की कथा प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था ध्यान नहीं थी वह नित्य पूजा पाठ करता परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता मलिनता के साथ रहती थी वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती बाद में कोई अन्य कार्य करती ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे पत्नी को बहुत समझाते किंतु किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और दसवें महीने सुंदर कन्या को जन्म दिया निर्धम ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ धीरे धीरे ब्राह्मण की की कन्या बड़ी बड़ी होने लगी बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी पूजा पाठ कर कर पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी घर से चलते हुआ मुठ्ठी भर जव साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जव गिराती जाती थी जब वो पाठशाला से लौटती घर लौटती तो जौ कि वह दाने सोने में बदलते हुए मिलते थे लग, लड़की सभी सोने के दाने बिन लाती थी एक दिन जब वह सोने के दाने साफ कर रही थी तो उसकी मां ने कहा बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का शुभ भी होना चाहिए अगले दिन बृहस्पतिवार था उसने भगवान बिस्पत देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की है भगवान यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का शुभ दे दो भगवान देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया पाठशाला से पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का शुभ पड़ा हुआ मिला घर लौटकर सोने का सोने का सुख अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा उस सुंदर लड़की को सोने के सुख में जो साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित तो हो गया महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजा से राजकुमार से उसके लड़की के विवाह की बात कही ब्राह्मण तैयार हो गया धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था बहुत दुखी होकर ब्राह्मण की ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया अपने पिता से निर्धनता का बात निर्धनता का समाचार सुन उससे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए लेकिन जल्द ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा पिताजी आखिर आप कब तक मुझे धन लेकर मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए ब्राह्मण ने काम है मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसकी सम उसकी समझ में कुछ नहीं आता उसका फुहड़ पर नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ाया लड़की ने अपनी माँ से कहा माँ तुम कल प्रातः उठ स्नान आदि करके भगवान विष्णुदेव विष्णु जी की पूजा अवश्य करना पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी तब क्रोधित तो होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया सूर्योदय के समय माँ को उठाकर स्नान जबरदस्ती उस, उसे उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णुदेव की पूजा कराई कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बिस्पतिवार का व्रत रखने लगी उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण के घर घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णुधाम को चले गए लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत कर करके भगवान विष्णु की विष्णु की पूजा की उस दिन से उनके सभी क्लेश दूर हो गए लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान विष्णु देव जी का व्रत नहीं किया भगवान विष्णु देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल के सजा दी उस दिन नगर के राजा ने न राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका था राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया उस कक्ष में एक खूटी पर रानी का सोने का हार टंगा हुआ था लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी देखते ही देखते वह खूटी हार से निकल गई थोड़ी थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा तभी उसे जंगल में जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया थोड़ी देर देर में भगवान विश्व सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा है लकड़हारे तूने भगवान बिस्पत देव की पूजा नहीं की इसी इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है लेकिन अब चिंता मत करो बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे उन पैसों से भगवान बिस्पत देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पड़े मिले पहचाने और काले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में तीन बार विष्णु देव की कथा कहता कर, कर, कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को विश्व की व्रत कथा नहीं कथा नहीं सुनाई है राजा ने उन लोगों को रोककर कहा भाइयों आप शव को ले जाने से पहले मुझसे विश्व परिवार की कथा सुन ले लोगों ने राजा पर तो होते हुए कहा तुम पागल तो नहीं हो लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा अच्छा भाई साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो राजा ने चलते हुए अधिक कथा ही सुनाई थी कि सव हिलने लगा राजा के पूरी कथा सुनते ही सौ कर बैठ गया लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान विस्प का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा किसान अपने खेत में हल चला रहा था राजा ने कहा अरे भाई मुझसे बीच परिवार की कथा सुन लो किसान ने झुझला कर बोला अरे भाई देख नहीं रहे जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा राजा निराश होकर चलने लगा तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिर किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा उसी किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुँच कर हाथ जोड़कर बोली भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर कर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तभी बैल उठ कर खड़े हो गए किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया भगत हुए अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था करता था उसने बहन से कहा बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी तक भोजन न किया हो उसकी बहन बोली भैया हमारे घर तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति को तलाश किए एक गड़रिए के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई कथा सुनते 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 गरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया सबने राजा की बहुत प्रशंसा की एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो कुछ दिन वहाँ रह कर लौट आना राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए बहू देते हुए कहा बहू मायके जाना हो तो अकेले अकेली जाना मेरे पोते को नहीं ले जाना तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है पोते पर कोई जादू टोना न कर दे दूसरे कच्छ में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर लौट गया रानी ने राजा से कहा आप तो अपनी बहन को बहन को साथ लेने की बात कह कर गए थे फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाया तब राजा ने दुखी होते हुए कहा रानी हम नि संतान है इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता रानी ने राजा को समझाया है प्राणनाथ हमें विस्पत देव ने सब कुछ दिया है अब भगवान विस्पत देव हमें संतान भी अवश्य देंगे विस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान विस्पत देव से संतान के लिए प्रार्थना की कुछ दिनों के बाद बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा हे राजन तेरी मनोकामना पूरी होगी एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई दसवें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया राजा रानी जीवन प्रयत्न जीवन प्रयत्न बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे उसके घर में धन की वर्षा होती रही इसी तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बिस्पत देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठध धाम पहुँच गए पहुँच गए बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं